या यार कैसा फोन है ये, दोनों तरफ से प्लेन है, सेल्फी कैसे लूं? कूल मैन। हाय। अरे घर में चूहे ज्यादा है या कपड़ों की कमी हो गई है? हर जगह छेद ही छेद। जरूर ये इसे छेदीलाल के कपड़ों की दुकान से लाई है। सब इसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे नारी तू नहीं जानती ये दुनिया बहुत है अत्याचारी। हाय। अरे ये क्या कर रही हो, इज्जत को सारे बाजार में नीलाम कर रही हो? क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं यार। अरे आजकल ऐसी जींस फैशन में, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो इस बात को? एनीवे हाय। हाय। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो इस मोमेंट की एक सेल्फी तो बनती है ना। ओके श्योर। ओके रवि, सबसे बड़ी गुरु आजकल की लड़कियां हैं, वो जो करें मना मत करना। ये तो बहुत फास्ट है, मुझे भी सुपर सोनिक फास्ट बनना पड़ेगा। परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अरे वो देखो, औरत पर अत्याचार। घटिया इंसान। वाह, चलो बहनों चलो, लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है कमीने। ओए लड़की छोड़ दे, रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई गलती नहीं है, मैंने मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं की है, उसने मुझसे केस मांगा था। नहीं नहीं प्लीज मत मारिए, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। एक कमीने को पकड़ा है। दिव्या ये देख तेरे भाई ने क्या किया। का कोई अधिकार नहीं है। जी चलो मम्मा, हम आपको दिखा रहे हैं एक वीडियो जिसमें वहशी दरिंदा सरेआम पब्लिक प्लेस में लड़की को किस कर रहा था। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है, महिला संगठन धरने दे रही है। नमस्ते। अच्छा तुम्हारा भाई है, बड़ा मजा आता है ऐसे लड़कियों को किस करने में। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार किस किया तो मिस करेगा लाइफ को। बैठो। तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी ना? हा? पर मुझे बहुत आ रही है। तुम खुद को समझते क्या हो, ये छिछोरापन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है ना? हा? कोई काम करना चाहते भी हो या फिर तुम ऐसे? पता है मनी तुम्हारे लिए दिन रात मरते रहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसे ना कम पड़ जाए इसलिए डबल शिफ्ट काम करता है। एक मिनट रुको, जानते हो ये क्या है? हमारे घर के डुप्लीकेट पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है हमारे पास। जब 19 साल तक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए थे ना, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ा, और अब हम लोग लोन चुका नहीं पा रहे। किसी भी दिन ये घर हमसे छीन सकता है और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये घर हम दोनों का सपना है, हमारे दो बच्चे हैं, हमें उन दोनों का भविष्य बनाना है। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम इसे देख रहे हो, जन्म से लेकर आज तक इसने किसी से बात ही नहीं की, पता ही नहीं क्यों। इसे ऐसे देखते तो दिल छलनी हो जाता है, और मेरे पति इसके लिए हर साइकेट्रिस्ट के पास भागते फिरते, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये किसी से बात कर सके। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के होके फिर भी शर्म नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ ना, इससे बीच में मत बोलिए आप। जानते हो 19 साल से वो तुम्हें क्यों झेल रहे हैं? जानना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बस यही एक वजह है। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकले। <जी। laughs>
मानी, मेरे लिए लोन लिया लेकिन मुझे ही नहीं बताया। अरे तू तो कोमा में था ना, कैसे बताता। लेकिन ये बात झूठ है कि तू उसका भाई है इसलिए मैंने ये सब किया। ये मैंने दोस्ती के लिए किया। रो मत पगले, मुझे एक जॉब दिला दे यार। तू फिकर क्यों करता है, है? कहीं ना कहीं तो चिपका ही दूंगा। कॉलेज के बाद फोटो नहीं खिंचवाई? नहीं सर। क्यों? वो क्या है कि मैं 19 साल से कोमा में था। कोमा? हाँ। ग्रेट, अच्छी बात। ये कोमा कहाँ है? कनाडा में सर, मैं वहाँ जाके आया। अच्छी जगह, अगले हफ्ते मैं भी जाने वाला हूँ। क्यों भाई, शरम वरम बेच खाई है क्या? लोन वापस करो या चुपचाप ये घर खाली करो। भिखारियों की तरह लोन मांगने आ जाते हो, चुकाएगा कौन? अरे चुकाएंगे कहाँ, इन्हें तो हराम की आदत लग गई है। पैसा ले लिया है, अगर नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, नहीं तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा और तुम सबको रोड पे फिकवा दूंगा। अरे हराम की खाने की आदत हो गई है इनकी। सांड के जैसे बैठा है सर, देख क्या रहा है, पैसे वापस कर पे। क्या कहा, तुम स्टैचूज बनाते हो? हां सर। यार मेरे पास तो खुद की 3D मशीन है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम एक मूर्ति बनाओगे तब तक तो मेरी 100 मूर्तियां बन चुकी होंगी। ऑफिस बॉय की जॉब के लिए भी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है और ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है। तुमने तो सिर्फ 10वीं पास की है, आपके लिए कोई जॉब नहीं है। नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, चाय पियो और निकलते बनो। सर यहाँ खड़े रहके कोई फायदा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ वरना इसकी खाल उधेड़ देता। मत कहाँ से आई, अब निकलो यहाँ से। के मार के भगाओ क्या, चल जाए यहाँ से। ये 4 रुपए ले और बाकी पैसे वापस कर। ए, ये क्या चिल्लर पकड़ा रहा है? 20 रुपए की तो चाय पी गया और 15 रुपए सिगरेट के हैं, भिखारी समझा है क्या? 35 रुपए की 4 रुपए पकड़ा रहा है। मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। अरे ये लो भाई, क्यों फोन जला रहे हो? ये लो। चलो मिलके पतंग उड़ाते हैं। उसकी नौकरी का क्या हुआ भैया? खाना तैयार है, खा लो। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm so sorry भैया, sorry। Sorry क्यों कह रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दुनिया में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्समैन या फिर ड्राइवर है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। ऐसा मत सोचो भैया, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, देखना तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। अपने भांजे के लिए एक बिस्किट तक नहीं खरीद सकता, चाय भी 10 रुपए की आती। भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, पर प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक म्यूजियम बताया जहाँ वॉचमैन का पोस्ट खाली है, तो तुम करोगे क्या? ठीक है। ए, आईने में क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर, इसे पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म की याद आ गई। हाँ ठीक है, चल चुपचाप अपने ग्लव्स पहन और ड्यूटी पे लग जा। टिकटॉक क्या आ गया, सब खुद को हीरो समझने लग गए। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर ये मेरा फर्ज है, बिकॉज आई एम वॉचमैन। कली कर रहा है, चल जा अंदर। अरे बाप रे, इसकी वजह से पहले ही मार खा चुका, अब और नहीं खाना, निकल लेता हूँ। अबे अंदर आ क्या? नहीं सर, तुझे बाहर खड़ा होना है। अंदर अंदर अंदर। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड रितिका की थी। रितिका ने ही तुम्हें ये जॉब ऑफर की है। चेकिंग करनी पड़ेगी। हुँ।
चेक कर लिया? अभी कहाँ, अभी तो नीचे ही चेक किया, ऊपर बाकी है। नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें चेकिंग सिर्फ मर्दों की करनी है, चलो जाओ। खुद तो कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे। एक मिनट, क्या है? फिर से चेक करना है मुझे? नहीं नहीं वो बात नहीं है, दरअसल म्यूजियम में पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं। मैंने स्कूल में बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी, इन्हें देखकर इनके दाम बताइए ना। इसके 20 रुपए मिलेंगे। दो वड़ा पाव। इसके 20। दो समोसा पाव। इसके 10। एक चाय। टोटल हो गए 50 रुपए। आर्टिस्टिक सेंस के बारे में सुना है कभी? देखो उस दीवार पर, पूरे 50 लाख की है। इसे भी आर्ट कहते हैं? हाँ सुनिए, उस दिन का गुस्सा आप मेरी पेंटिंग पर निकाल रही हैं क्या? ऐसा नहीं है, देखो सुनो। एक्चुअली उस दिन मैं तुम पर गुस्सा थी, लेकिन बाद में सुरभि ने तुम्हारे बारे में सब बताया। मैं दावे से कह सकती हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं है। थैंक यू एंड सॉरी। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। तुम अच्छे इंसान हो इसलिए तुमसे मिलने आई, पर तुम बच्चों वाली पेंटिंग्स दिखाकर बेचने को कहोगे तो दुनिया जोकर कहेगी। वो तो हर कोई कहता है। मेरी वजह से सुरभि को घर गिरवी रखना पड़ा, अब उसे छुड़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर वो ड्राइंग्स वाकई बहुत बकवास थी। हाँ ठीक है। ए, रुको रुको रुको, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। चलो चलो हाथ ऊपर करो। अरे, मुझे चेकिंग मैंने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग में चोरी हुई है, जाके देखो। क्या? तुम जाओ जल्दी से पुलिस को फोन करो। तुम लोग बचोगे नहीं, पुलिस आ रही है। आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है। कूल मैन। चैन खुलेगी मैन, खुलेगी चैन, खुलेगी मैन, खुलेगी, खुलेगी नहीं। गंदी बात। चल। हेलो पुलिस। भागना मत, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। अबे ट्रेडमिल नहीं है, रुक रुक। अरे अरे छोड़ छोड़, जल्दी छोड़। अरे ओए, जानते हो स्टैचू की कीमत कितनी है? 1 करोड़। मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। वो गिरी तो तुम गए। हाँ समझ गया। अबे पकड़ लिया, छोड़ छोड़। कहाँ है वो? कहाँ है? छोड़ छोड़। अरे पकड़ो पकड़ो, ले जाओ पकड़ो, ले जाओ अपने गांव में। चलो ले चलो ले जाओ उनको। चल छोड़ चल, और कहीं के चल। बाल बाल बच गए, ये जाती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। रॉयल फैमिली की अमानत है ये। इसके मालिकाना हक के लिए कई लोगों ने पिटीशन डाल रखी है। इसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे।